इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और लेटेस्ट न्यूज यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज और प्रेस करें यहाँ बने बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा हमारे हर वीडियो से अपडेट रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानसी आचार्य। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ, लेकिन सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मामावास के दबंगों ने महिला को बंधक बनाकर की मारपीट, सैन समाज के पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। लाठी में बाइक फिसलने से हुआ युवक गंभीर घायल, स्थानीय लोगों ने घायल युवक को पहुंचाया अस्पताल। और जौहर के लूणी ग्रामीणों की सजगता से गौवंश से भरा ट्रक पकड़ा, पुलिस ने ट्रक को लिया हिरासत में। और अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद भी कई जगह अवैध खनन के कार्य जोरों पर चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रामसीन के निकटवर्ती चांदना गांव में अवैध रूप से खनन करते हुए जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली को रामसीन पुलिस ने जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अवैध खनन की रोकथाम के बावजूद कई जगह पर खनन का कार्य चल रहा है। देसूरी वकील मंडल बाली के सभी सदस्यों ने राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र सहित विभिन्न मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी दिनेश विश्नोई को बाली वकील मंडल के अध्यक्ष भंवर सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में ज्ञापन दिया। वकील मंडल ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रखी। वकील मंडल बाली अध्यक्ष भंवर सिंह राजपुरोहित ने बताया कि वकील मंडल पाली के द्वारा किए जा रहे आंदोलन के विरोध में वकील मंडल ने दूसरे दिन भी न्यायिक कार्यों का बहिष्कार जारी रखा। उन्होंने बताया कि पूर्व सृजित बाली उपखंड क्षेत्र में सुमेरपुर और रानी दोनों उपखंडों को बाली एडीएम न्यायालय में शामिल करने, बाली एडीएम कैंप कोर्ट के सभी प्रशासनिक अधिकारी देने सहित एडीएम संबंधित सभी प्रकरणों की सुनवाई करने, बाली मुख्यालय पर पॉस्को कोर्ट अनुसूचित जाति के अधिकार एनडीपीएस की तरह से अपर सेशन न्यायालय बाली को राजस्व अपील का अधिकार, साथ ही उपभोक्ता मंच कोर्ट कैंप करने की मांग आदि मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है। देवनगरी नाडोल विकास की ओर अग्रसर होते हुए ग्राम में 5 पुलियों का निर्माण कराया। सरपंच यशोदा वैष्णव ने ग्रामीणों की मांग के अनुसार ग्यावतो वाला डोली मार्ग पर 150 फुट लंबा पुल बनाया, जिससे इस क्षेत्र के किसान के करीब 200 कुओं पर लोगों का निवास है। बरसात के समय भारमल के तेज बहाव से इन कुओं से गाँव में आने का मार्ग बिल्कुल बंद हो जाता है। ग्राम पंचायत ने इसके साथ नाथ जोगी बस्ती में पुलिया काणा ढाणी में एक पुलिया मालोक तालाब पर और पुलिया मामा जी वाड़ी काकर एनिकट पर जाने हेतु पुलिया का निर्माण कर इस क्षेत्र के लोगों को बरसात के मौसम में सुविधा मिलेगी। ग्राम वासियों में इस कार्यों को लेकर खुशी का माहौल है। सरपंच ने गाँव में हो रहे विकास में योगदान हेतु माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमान पीपी चौधरी और ऊर्जा मंत्री पुष्पेंद्र सिंह राणावत का आभार जताया। पंचायत समिति बाली के नाना गांव के समीप से निकलने वाली जवाई नदी पर विभिन्न गांवों को जोड़ने वाला नाना नदी का पुल, जिसका आधा हिस्सा गत वर्ष अतिवृष्टि में बह गया था, जिसके बाद में अस्थायी रूप से आवागमन सुचारू करने के लिए बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी डालकर अस्थायी आवागमन व्यवस्था सुचारू करने के लिए शुरू किया था, लेकिन सड़क निर्माण विभाग ने पुनः इस पुल निर्माण की सुध तक नहीं लिया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बाली कैलाश गरासिया ने इस पुल निर्माण की मांग पुनः उठाते हुए लिखा कि इस बार पहली ही तेज बारिश में इसे टूटे हुए अस्थायी पुल के हिस्से के बह जाने के कारण पूर्ण संभावनाएं बनी हुई है। साथ ही वर्षा और तेज जल बहाव के समय अगर कोई वाहन चालक इस पुल से गुजरे तो किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। एक तरफ सरकार 2019 तक हर घर तक बिजली पहुंचाने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ विभागीय अधिकारियों की उदासीनता और घोर लापरवाही से आज भी कई ढाणे ऐसी हैं जो अंधेरे में रात गुजारने को मजबूर है। यही हाल ग्राम पंचायत बरजासर के थाटों की ढाणियों में रहने वाले 60 से 70 घरों के बीच एक बिजली मिनी ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, जो 5 दिन पूर्व रात्रि में हाई पावर आने से शॉर्ट सर्किट से जल गया। विभाग को अवगत करवाने के बाद भी सुचारू नहीं किया, जो कि इस भीषण गर्मी में ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो बुधवार को गुस्साए ग्रामीणों ने विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, कहा कि जल्द ही बिजली सुचारू नहीं की तो आंदोलन किया जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन में महबूब खान, अमदीन, मोहम्मद शरीफ, हनीफ खान, नरपत राम,
रावल सिंह लुम्बाराम सहित ग्रामीण उपस्थित रहे। देसी खाना, विदेशी खाना, चटपट खाना, झटपट खाना, घर का खाना, बाजार का खाना, थाली का खाना, सड़क का खाना, छोटा खाना, बड़ा खाना, खाना पीना, ऐसा खाना, वैसा खाना, बस खाते ही जाना, खाना खा जाना, यम्मी खाना, टम्मी खाना। जी हाँ, सत्यमेव लाए हैं अपने दर्शकों के लिए खास कार्यक्रम किचन करामात। दुनिया भर की स्वादिष्ट रेसिपीज को अब बनाइए चुटकियों में। हमारे साथ देखिए किचन करामात और सीखिए हुनर रसोई का। हर रोज देखिए एक नई विधि, एक नई रेसिपी की, सिर्फ किचन करामात में। अगर आप में है टैलेंट सिंगिंग का, डांसिंग का, या हो कोई अनोखा टैलेंट, तो उठाइए अपना फोन, कीजिए रिकॉर्ड और भेजिए हमें आपके स्क्रीन पर दिए हुए इस नंबर पर, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है पल पल बदलते देश और दुनिया की हर खबर अब सीधे आपके मोबाइल पर सत्यमेव न्यूज टीवी के जरिए। सत्यमेव न्यूज टीवी को अपने मोबाइल में देखने के लिए आप प्ले स्टोर पर जाकर टाइप करें सत्यमेव न्यूज और इंस्टॉल करें भारत का पहला मोबाइल टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज। सुबह समाचार में आपका स्वागत है और एहसास कीजिए लाइव बुलेटिन, लाइव शो सहित देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों का अपने मोबाइल पर। नागौर जिले के ग्राम ताउसर में प्रशासन द्वारा राजकीय भूमि गोचर और अंगोर की भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। लोगों द्वारा राजकीय और गोचर भूमि पर किए गए अतिक्रमण को जेसीबी की सहायता से हटाया गया। नागौर के उपखंड अधिकारी परसाराम टाक की अगुवाई में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। राजकीय भूमि पर 15 लोगों द्वारा किए गए 6.5 बीघा भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया, जिसमें लोगों ने कच्ची और पक्की दीवारें बनाकर अतिक्रमण कर रखा था। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा थी। प्रशासन ने लोगों के अवैध रूप से किए गए कब्जों को जेसीबी की सहायता से हटाया। प्रशासन अधिकारियों सहित मौके पर पुलिस का भारी जाब्ता तैनात रहा। कुछ दिनों पूर्व मामावास के छैलाराम, खेताराम, भवरलाल, फेफी देवी, लादूराम, वक्ताराम आदि दबंगों ने मामावास निवासी विमल सेन के हाथ पैर बांधकर बड़ी ही बेरहमी से पीटकर अधमरी हालत में बांध रखा था, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे बचाया और उसे अस्पताल पहुंचाया। राष्ट्रीय सैन सभा राजस्थान के जोधपुर संभाग प्रभारी लक्ष्मण सैन जार्डन और सैन समाज के पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी सोजत को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। हमारे सैन समाज का एक गरीब अनाथ बच्चा है, मामावास का रहने वाला है। उसके माता पिता ने उसके साथ अन्याय हुआ है और गांव के मौजूद व्यक्ति या दबंग कह सकते हो या अच्छे राजनेता तालुकात वाले कह सकते हो, उन सब ने मिलकर इस गरीब बच्चा के साथ मारपीट की और मारपीट इतना मारा कि वो अधमरा हो गया। हाथ पांव बांधने पर पुलिस जाके उनका हाथ पांव खुलवाया, फिर पुलिस ने जाके हॉस्पिटल में इलाज करवाया। वो आज इस समय थाने में है। हमारे सैन समाज के अंदर हम यहाँ के स्थानीय विधायक और उनके नेताओं द्वारा गलत धाराएं लगा कर अंदर करवाया, इसलिए सैन समाज भारी रोष है। हमारे सैन समाज ये अधिकारी और ये प्रशासन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो सैन समाज जिला पर धरा पर धरना प्रदर्शन करेगा। ये हमारा विशेष अनुरोध है कि आप हमारा सहयोग करें और इन दोषियों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करें और उनको जो सुपर्स वाले हैं या जो राजनेता है उन सबको अंदर दान करा रहे हैं। और हम आज यशिम साहब को ज्ञापन सौंपे इस बात को लेकर। पाली जिले के उपखंड मारवाड़ जंक्शन के आउआ नगर में राज्य और सहकारिता विभाग द्वारा किसानों ऋण माफी शिविर आयोजित किया गया। शिविर की अध्यक्षता विधायक केसाराम चौधरी, आउआ सहकारी समिति अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह ने की। शिविर में 414 किसानों ने 1,26,35,181 रुपए कुल के ऋण माफी के प्रमाण पत्र किसानों को वितरित किए गए। आउआ सहकारी समिति अधिकारी
पुष्पेंद्र सिंह राजावत द्वारा मुख्य अतिथियों और कमेटी के सदस्यों का साफा और माला से बहुमान किया। इस मौके पर गणमान्य लोग मौजूद रहे। जोधपुर जिले के जौहर थाना क्षेत्र के चीचड़ली गांव में मंगलवार शाम को ग्रामीणों की सजगता से गौवंश से भरा ट्रक पकड़ा गया। ग्रामीणों ने जौहर थाना पुलिस और शिवसेना जिला प्रमुख को भी इसके बारे में सूचना दी। ट्रक में 19 गाय और बछड़े भरे हुए थे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। ड्राइवर को ग्रामीणों ने पकड़ और पुलिस को सौंप दिया। इस दौरान चालक की तलाशी लेने पर उसकी जेब से पाकिस्तानी मुद्रा का 10 रुपए का नोट मिला। पुलिस चालक से गहनता से पूछताछ की जा रही है। बाप कस्बे की किसान कॉलोनी में बुधवार को लाइफलाइन हेल्थ केयर सेंटर का समारोह पूर्वक उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर बोलते हुए नोकमठ के महंत संतोष बन ने कहा कि मरीज की सेवा ही श्रेष्ठ कार्य है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। हम सभी को चिकित्सा के क्षेत्र में गरीब परिवारों को सहयोग करना चाहिए। इस अवसर पर निःशुल्क जाँच शिविर भी आयोजित हुआ। 120 मरीजों की जाँच कर उपचार किया गया। इस मौके पर पूर्व उप प्रधान जगदीश पालीवाल, पूर्व सरपंच किशन लाल पालीवाल, भगवान सिंह, मनसुख पालीवाल, मूलचंद माली, लालचंद माली आदि उपस्थित रहे। लाठी के चांदन कस्बे में सड़क का ढलान एक तरफ ज्यादा होने के कारण बरसात का पानी दुकानों के आगे जमा हो जाता है। गौरतलब है कि गत 6 माह से चांदन कस्बे में राष्ट्रीय राजमार्ग 11 का नवीनीकरण का कार्य चल रहा है। इस दौरान कस्बे में सड़क को ज्यादा ढलान में बना दिया है, जिससे बरसात का पानी दुकानों के आगे जमा हो जाता है। इसको लेकर ग्रामीणों ने सड़क के पास इंटरलॉकिंग टाइल की मांग की है। देसी खाना, विदेशी खाना, चटपट खाना, झटपट खाना, घर का खाना, बाजार का खाना, थाली का खाना, सड़क का खाना, छोटा खाना, बड़ा खाना, खाना पीना ऐसा खाना वैसा खाना, बस खाते ही जाना, खाना खा जाना, यम्मी खाना, टम्मी खाना। जी हाँ, सत्यमेव लाए हैं अपने दर्शकों के लिए खास कार्यक्रम किचन करामात। दुनिया भर की स्वादिष्ट रेसिपीज को अब बनाइए चुटकियों में। हमारे साथ देखिए किचन करामात और सीखिए हुनर रसोई का। हर रोज देखिए एक नई विधि, एक नई रेसिपी की, सिर्फ किचन करामात में। अगर आप में है टैलेंट सिंगिंग का, डांसिंग का, या हो कोई अनोखा टैलेंट, तो उठाइए अपना फोन, कीजिए रिकॉर्ड और भेजिए हमें आपके स्क्रीन पर दिए हुए इस नंबर पर, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है قدر المياه.
बहरोड कस्बे के शांति मार्केट में एक लाइटिंग पर महिलाओं के द्वारा लाइव चोरी का वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। दोनों महिलाओं ने बड़े शातिर अंदाज में बिजली केबल के कई बंडल दोनों बैग में भर लिए। मामले की जानकारी दुकान मालिक को आज सुबह लगी। जब केबल का रैक खाली नजर आया तो उसने पहले तो दुकान में काम कर रहे वर्कर से पूछा तो उसने कहा कि मैंने कोई केबल नहीं बेची। दुकान मालिक अजित को शक हुआ, उसने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरा देखना शुरू किया तो उसके होश उड़ गए। सीसीटीवी कैमरे में दो महिलाएं एलईडी बल्ब देखने के बहाने आई, उनमें से एक महिला ने बड़े शातिराना अंदाज में दोनों बैगों में केबल के कई बंडल डाल दिए और मौके से रफू चक्कर हो गए। इस तरह के कई मामले पहले भी देखने को मिले हैं लेकिन आज तक इन गिरोह का कोई पता नहीं लग पाया है। शेरगढ़ में विश्व जनसंख्या और BCMO डॉक्टर जोगेश्वर प्रसाद नारवारा के 50वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बुधवार को पर्यावरण का संदेश देते हुए पेड़ पौधों की जनसंख्या बढ़ाते हुए अपने जन्मदिन पर BCMO ऑफिस शेरगढ़ में पर्यावरण संरक्षण के लिए 51 पौधे लगवाकर उनके परवरिश की जिम्मेदारी ली गई। कार्यक्रम के दौरान उपखंड अधिकारी चंद्रशेखर भंडारी, डॉक्टर फैजान, डॉक्टर जितेंद्र रामदयाल, श्रवण परमार, गोपाल परिहार, रमेश बोस, पूना राम, मनोज जैन, भीगाराम बोस के अलावा शेरगढ़ CSC और SDM ऑफिस के स्टाफ उपस्थित रहे। लाठी थाने के चाचा गांव के बस स्टैंड पर बाइक फिसलने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे 108 एम्बुलेंस द्वारा पोखरण चिकित्सालय भेजा गया जहां उसे जोधपुर रेफर कर दिया गया। इस घटना की सूचना मिलने पर लाठी पुलिस थाने से भागीरथ चौधरी, मुकेश मीणा, सुरेश कुमार मौके पर पहुंचे और बाइक को अपने कब्जे में ले लिया। लाठी पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। भीनमाल विधानसभा क्षेत्र के थूर गांव में किसान फसली ऋण बीमा माफी शिविर में प्रमाण पत्र वितरण करने गए भीनमाल विधायक पूरा राम चौधरी को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। भीनमाल विधायक पूरा राम चौधरी उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे तो किसानों ने हंगामा कर दिया। विधायक ने विकास कार्यों को गिनाना शुरू करते ही किसानों ने बीच में ही टोक दिया और हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा इतना हो गया कि विधायक को कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा। किसानों ने इस नोकझोंक मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो विधानसभा क्षेत्र के लोगों में हड़कंप मच गया। वीडियो विधानसभा क्षेत्र के थूर गांव से फसल ऋण माफी शिविर का है जो सभी व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक पर तेज गति से वायरल हो रहा है। वरिष्ठ अध्यापक शिक्षक भर्ती 2016 ने आज शिक्षा निदेशालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। इन चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि वरिष्ठ अध्यापक शिक्षक भर्ती 2016 में चयनित होने के बाद भी चार विषयों के शिक्षकों को नियुक्ति नहीं दी जा रही है, जबकि इसी परीक्षा में चयनित अन्य चार विषयों के शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है। संबंध में RPSC को भी ज्ञापन देकर अवगत करवाया जा चुका है, उसके बाद भी कोई सकारात्मक प्रक्रिया नहीं हो रही। धरने पर बैठे दिनेश भार्गव ने बताया कि हिंदी, गणित, संस्कृत सहित एक अन्य विषय के करीब 7,000 चयनितों को विभाग की ओर से भर्ती नहीं दी जा रही है। ऐसे में चयनित शिक्षकों को मानसिक और आर्थिक नुकसान हो रहा है और जब तक उनकी भर्ती पूरी होती है तब तक अनिश्चितकालीन धरना निदेशालय के आगे जारी रहेगा। हमारी मांग यह है कि 9 चयनित जो सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा जो 2016 में हुई थी, जिसका एग्जाम 2017 में हुआ और जिसकी नियुक्तियां 2018 में हो रही है, जिसमें चार सब्जेक्ट को नियुक्ति दी जा चुकी है और चार सब्जेक्ट में अभी तक बाकी है, और जो बाकी सब्जेक्ट है उसमें हिंदी, संस्कृत, गणित और संस्कृत, इन चार सब्जेक्ट में 7,000 कुल युवा है और 7,000 को अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई है। हमारी यही मांग है, केवल मात्र एक मांग है कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए, कोर्ट के निर्णय के अधीन नियुक्ति दी जाए। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्यमेव न्यूज़।